बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक हरूफ तहजी जो है छोटी छोटी ये है, उसको हम लिखने का तरीका सीखेंगे। आमतौर पे इस जो हरफ है हरूफ तहजी का, इसके ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, इसकी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है कि इसको किसी तरह अच्छे तरीके से बताएं कि ये कैसे आसानी के साथ लिखा जाए। तो मैं आपको एक तीन स्टेप में ये वर्ड लिखना सिखाऊंगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और चौथे स्टेप में इंशाल्लाह आप इसको कंप्लीट और अच्छी तरह तरीके से लिख सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इसका जो हेड है छोटी ये का, जैसे आपने इसको ये वाला जो साइन है ये देखें, ये साइन जो है ये आपने लिखना है। इसमें बिल्कुल सीधा जो है कलम का जो कट है इसको बिल्कुल सीधा रखना है, और थोड़ा सा कर्व देके इसको ऐसे, ये देखें, ये 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 इसको बिल्कुल ऐसे, इसका जो है ये छोटी ये का हेड बन जाएगा। ये थोड़ा सा बिल्कुल सीधा कलम रख के और इसको थोड़ा सा कर्व देके इसको ऐसे करना है। इसका जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि ये देखें, ये आपने इसको ऐसा कर्व आपने देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, आप इंशाल्लाह इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, ये बिल्कुल आप आसानी के साथ छोटी ये लिख लेंगे। जैसे हम अलमदयाल लिखते हैं, जैसे ये देखें ऐसे अलमदया लिखते हैं, यहाँ पे ये उल्टा अलमदया है, ठीक है। और तीसरे स्टेप में हम इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह आपने ये तीन वर्ड का जो है तीन हिस्सों में ये लफ्ज मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। एक स्टेप इसका ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा ये है। अब जैसे अब इसके कंप्लीट जो है लफ्ज लिखना सीख जाएंगे, जैसे ये वाला जो आपने ये वाला सीखा है उसके साथ इसको अटैच करें ये वाला, और तीसरा जो है इसी को लेके छोटी ये आप लिखें। इसी तरह ये वाला पहला लफ्ज, दूसरी इसकी जो आपने लिखा लिखना सीखा है, और इसको यहाँ तक इसको ले किया, इसी तरह इसका हेड यहाँ पे कर्व किया और छोटी ये, इसी तरह इसका हेड यहाँ पे कर्व दिया इसको, और ये देखिए ये बड़ा आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ और अच्छी टेक्निक में आपको बताया गया है, और इसको आपने ऐसे प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी ये मुश्किल लफ्ज़ जो है लिखना सीख जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम छोटे लाम ये ली लाम और छोटी ये को मिला के कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। इसके अलावा काफ और लामिया ली की कैसे लिखेंगे, ऐसे अल्फाज जो रूटीन में मुश्किल लिखना तसव्वुर किए जाते हैं उनकी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें ताकि इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।